दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को दुनिया का सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी की तूफानी दोहरा शतकीय पारी देखने के बाद तो दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी इस बल्लेबाज की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे। तो आखिर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर, यहाँ तक की रिकी पोंटिंग, केविन पीटरसन के साथ साथ इंग्लैंड टीम के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने क्या कुछ इस बल्लेबाज के दोहरे शतक पर कह डाला। आखिर कैसे जायसवाल की बल्लेबाजी के दीवाने हो गए ये दिग्गज खिलाड़ी, क्या कुछ दिग्गजों ने दिया बयान यशस्वी को भारत का भविष्य बताते हुए, ये तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा था। इस मुकाबले में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। 89 रनों के स्कोर पर भारत के दो बल्लेबाज पवेलियन चले गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। उन्होंने एक के बाद एक इंग्लैंड के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और टीम इंडिया की स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते उन्होंने दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन बेहतरीन शतक जड़ दिया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, लगातार अंग्रेजों की कुटाई कर रहे थे। एक तरफ से टीम इंडिया का विकेट गिर रहा था तो दूसरी तरफ से जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। जायसवाल इंग्लैंड के हर गेंदबाजों का डटकर सामना किए और भारतीय टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते उन्होंने अपना 150 रन पूरा कर लिया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शोएब बसीर से लेकर जो रूट, यहाँ तक कि रेहान अहमद और एंडरसन, हर गेंदबाजों पर टूट कर प्रहार किया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक जायसवाल ने 179 रन बना लिए थे और अपने दोहरे शतक के काफी करीब थे। लेकिन दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर जायसवाल इस अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आए और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिए। आते ही उन्होंने चौके छक्के लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया, बल्कि घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तूफानी दोहरा शतक भी ठोक दिया। जायसवाल की बेहतरीन बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। भारतीय खेमा इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाकर स्वागत किया। यहां तक कि इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी बयान देकर इस खिलाड़ी को काफी सराहा। तो चलिए हम आपको बताते हैं सचिन अख्तर पोंटिंग से लेकर इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने क्या कुछ इस बल्लेबाज को लेकर कहा है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने जायसवाल की बेहतरीन और दोहरी शतकीय पर बयान देते हुए कहा कि भारत का ये युवा बल्लेबाज काफी खतरनाक बल्लेबाज है। मैं यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी का बहुत बड़ा फैन हूँ। कहीं ना कहीं वो मेरी तरह बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजों पर समझ बूझ कर प्रहार करता है। जायसवाल का दोहरा शतक देखकर मैं सच में काफी खुश हूँ। ये भारत के लिए आगे बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। इतने कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना काफी मुश्किल है। तो वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी जायसवाल की पारी पर बयान देते हुए कहा कि जायसवाल भारत के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज बनते जा रहे हैं। वो वीरेंद्र सहवाग की तरह अपनी टीम को शुरुआत देते हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई वो देखकर मजा आ गया। ये किसी भी टीम के लिए काफी खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। इनके अंदर खेलने की क्षमता नजर आती है। बेहद ही कम उम्र में दोहरा शतक लगाने के लिए जायसवाल को ढेर सारी बधाई। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भी जायसवाल की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल भारत के युवा बल्लेबाज हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीता है। मैं इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी देखकर आश्चर्य में हूँ। इस खिलाड़ी ने बहुत कम उम्र में अपना नाम क्रिकेट जगत में बना लिया है। आज जिस तरीके से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जायसवाल ने धोया वो देखकर तो मैं हैरान हो चुका था। मैंने जायसवाल जैसा दोहरा शतक अब तक नहीं देखा था। उसने सहवाग के अंदाज में पारी खेली। वहीं इंग्लैंड के सबसे खतरनाक खिलाड़ी केविन पीटरसन ने भी जायसवाल की तारीफ में बयान देते हुए कहते हैं कि जायसवाल को दोहरा शतक लगाने के लिए ढेर सारी बधाई। उन्होंने शानदार खेल दिखाकर अपनी टीम को हमेशा मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला है। वो अकेले मैदान पर टिके हुए थे, एक तरफ से भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे, लेकिन इस खिलाड़ी ने टीम के लिए अहम योगदान दिया। अकेले ही जायसवाल ने हमारी टीम के गेंदबाजों पर हावी थे। तो वहीं गौतम गंभीर ने भी जायसवाल की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया। इस खिलाड़ी के अंदर काफी प्रतिभा है, वो अपने बल्ले से कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। जायसवाल वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में टीम की पारी की शुरुआत देते हैं। जायसवाल की बल्लेबाजी और उनका दोहरा शतक देखकर मैं काफी खुश हूं। वहीं इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने भी जायसवाल के बेहतरीन पारी पर बयान देते हुए कहे कि जायसवाल ने कम उम्र में ही इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, ऐसा करना काफी मुश्किल होता है। जायसवाल ने मैच का पूरा रुख
पलट दिया, उन्हें दोहरा शतक के लिए मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ। वो इसी तरीके से अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करते रहे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन रोहित शर्मा हुए बेईमानी के चलते आउट, तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया बवाल। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन कप्तान रोहित शर्मा विवादित तरीके से आउट होकर पवेलियन को लौट गए। इसके बाद पूरे क्रिकेट में बवाल मच गया है। इस दौरान रोहित शर्मा के नॉट आउट होने की खबर भी सामने आई है। तो आखिरकार क्या है पूरा मामला, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में रोहित शर्मा आउट है या फिर नॉट आउट, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन है भारत का सबसे खतरनाक टेस्ट बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले टेस्ट मैच के अंदर भारतीय टीम को 28 रन से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दूसरा टेस्ट मैच जब विशाखापट्टनम के क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया तो इस मैच में भारतीय टीम को खराब शुरुआत मिली। आपको बता दें इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम के अंदर 3 बड़े बदलाव किए, साथ में गेंदबाजी करने के लिए इंग्लैंड की टीम को आमंत्रित किया। हालांकि भारतीय टीम ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी मात्र 40 रन के स्कोर पर टूट गई। इस दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पवेलियन को लौट गए। आपको बता दें अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए आए शोएब बशीर ने 17 ओवर के अंदर रोहित शर्मा को आउट करते हुए अपना पहला टेस्ट विकेट भी अपने नाम कर लिया। आपको बता दें रोहित शर्मा 41 गेंद पर मात्र 14 रन बनाने के बाद ओलीपॉप के हाथों में अपना कैच दे बैठे। हालांकि रोहित शर्मा काफी ज्यादा दबाव में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। लेकिन यहां पर उन्होंने शोएब वजीर की लंबी गेंद पर बाउंड्री बटोरने का प्रयास किया, जो उनके पीछे वाले पैर के पास डाली गई। हालांकि बैकवर्ड स्क्वायर पर चौका बटोरने के लिए उन्होंने बल्ले से हल्का सा किनारा लगाया और वो बल्ले के नजदीक खड़े ओलीपॉप के हाथों में अपना कैच दे बैठे। और एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अलग विवाद पैदा हो गया, जहां कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा के बल्ले से गेंद लगने के बाद ओलीपॉप के हाथों में न जाने पहले जमीन पर लग गई। हालांकि बाद में देखा गया तो पता चला कि यह सिर्फ अफवाह है और रोहित शर्मा को सही तरीके से एम्पायर ने आउट देकर पवेलियन का रास्ता दिखाया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को सही तरीके से आउट दिया गया था या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों विशाखापट्टनम के मैदान पर गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है, जिसमें पहले ही सेशन में भारतीय बल्लेबाजों खास तौर पर रोहित और यशस्वी जायसवाल ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से अंग्रेजों की कमर तोड़कर रख दी है। तो आखिर कैसे रोहित और जायसवाल के तूफान में उड़े इंग्लिश गेंदबाज, इस बल्लेबाज ने बनाए हैं सबसे अधिक रन और कौन है अपने शतक के सबसे करीब, कौन खेल रहा है कितने रनों पर और कितना हो गया है पहले सेशन के अंत तक टीम इंडिया का स्कोर, उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर दूसरे टेस्ट मैच से पहले की सेशन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित जायसवाल और गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया 2 फरवरी की सुबह विशाखापट्टनम के VDCA क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखने के इरादे से उतर चुकी थी। सामने खड़ी थी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, उनका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। पूरा स्टेडियम इस टेस्ट क्रिकेट का जबरदस्त घमासान देखने के लिए खचाखच भरा हुआ था। मैदान में आते ही किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की, जिनका पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही टीम इंडिया में 3 बड़े बदलाव हुए, कुलदीप यादव के साथ रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को टीम इंडिया में शामिल किया गया। टीम इंडिया को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी। पहले ही ओवर में इंग्लैंड के लिए मोर्चा संभालने उतर चुके थे जिमी एंडरसन, उन्होंने आते ही पहले गेंद से दोनों बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिल रहा था। आखिरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला, लेकिन दूसरे ही ओवर में बेन स्टोक्स ने एक नई चला के दिखाने की कोशिश की। उन्होंने जो रूट जैसे दिग्गज स्पिनर को गेंदबाजी सौंप दी, उन्हें लगा कि पिच से बहुत ज्यादा स्पिन मिलेगी और बल्लेबाज गलती कर जाएंगे, लेकिन ऐसा करके उन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी, जहां यशस्वी ने पहली गेंद पर मैदान को चीरते हुए शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरा और जो रूट को अपने खतरनाक अंदाज में स्वागत किया। जाते जाते चौथी गेंद पर भी यशस्वी ने एक और चौका ठोककर जो रूट के साथ साथ अंग्रेजों के भी पसीने छुड़ा दिए। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने T20 के अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी थी। दूसरी तरफ कप्तान रोहित ने भी जेम्स एंडरसन के खिलाफ 3 रन तेजी से दौड़कर अपना खाता खोला और ये दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में लग रहे थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड के गेंदबाजों का जज्बा देखने लायक था, एक तरफ से जो रूट दूसरी तरफ से जेम्स एंडरसन अपनी टीम को विकेट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। हालांकि परिस्थितियों को भांपते हुए जायसवाल और रोहित ने कोई बड़ा शॉट खेलने की गलती नहीं की और ये दोनों संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। मैदान में टिकने के प्रयास में लगे हुए थे, गेंद और बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। पहले 5 ओवर में दोनों बल्लेबाज मिलकर केवल 14 रन जोड़ पाए, लेकिन दबाव में बिल्कुल भी ये दोनों नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि उन्होंने विकेट न देकर इंग्लिश गेंदबाजों को मुसीबत में डालना शुरू कर दिया।
लेकिन दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ रहा था। इंग्लिश गेंदबाज उन्हें मौका बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि दोनों को हाथ भी खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। जो रूट और जेम्स एंडरसन दोनों छोरों से टीम इंडिया पर दबाव बढ़ता जा रहा था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगले 4 ओवरों में रोहित और यशस्वी दोनों मिलकर केवल 6 रन बना पाए थे, यानी कि पहले 9 ओवरों में टीम इंडिया केवल 20 रनों तक पहुंच सकी थी। यहां सभी ने सोचा था कि ये दोनों बल्लेबाज आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन इन्होंने तो सभी की उम्मीद पर पानी फेर दिया। हालांकि टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर थी कि इन्होंने इंग्लैंड को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी, जो उन पर दबाव बनाने के लिए काफी नजर आ रहा था। पहले 10 ओवरों में भारत ने 2.3 के रन रेट से 23 रन बनाए थे। रोहित शर्मा कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे थे। आखिरकार बेन स्टोक्स को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ गया। 12वें ओवर में उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए डेब्यूटेंट शोएब वजीर को बुला लिया। उन्हें लगा था कि गेंदबाजी में बदलाव करके वह भारतीय बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं, लेकिन ये तो केवल उनकी एक गलतफहमी थी। यहां तक कि शुरुआत में ही हमेशा आक्रमण करने वाले यशस्वी जायसवाल भी आज गलती करने को तैयार नहीं थे।